इंग्लैंड स्टेट एंड इंटरमीडिएट इन अर्ली 20th सेंचुरी कॉलोनियल क्राइम। यह जो थीम है मेरे पीएचडी का सब पार्ट्स है और इसमें मैंने कुछ इश्यूज हैं जिसको उठाने का कोशिश किया है। एक इशू ये है कि आफ्टर अर्बनाइजेशन इन बंगाल जो फिशी मार्केट है वो लोकल एरिया से स्टिक होकर सेंट्रल और इंडस्ट्रियल एरिया में हो जाती है और ये जो मार्केट स्टिक क्यों हो रहा है तो एक इस इशू को उठाने की कोशिश किया है। दूसरा बंगाल डेल्टा में जो कलकत्ता है वो कलकत्ता ही एक फिश मार्केट के रूप में इमर्ज क्यों कर रहा है और इसके साथ साथ जो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स जो डेवलप हो रहा है और एक न्यू मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें इंटरमीडियरीज का रोल क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट जो एक्चुअल फिशरमैन है जो फिश कैचिंग करते हैं जो एज अ फिश वर्कर है उनके ऊपर क्या पड़ा। तो इन इश्यूज को मैंने इस थीम के अंदर उठाने की कोशिश किया है। जो फिश मार्केट है उसके लिए पहले जरूरत है डिमांड की। तो फिशरी जो मार्केट है वो अर्बन एरिया में और इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप हुआ वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है लोगों का माइग्रेशन और हम सभी लोग जानते हैं कि आप ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड लोग जो है बहुत बड़े पैमाने पे रिमोट एरिया से माइग्रेट करके इंडस्ट्रियल और अर्बन सेंटर में मूव किए और इस समय आप देखिएगा इसके पीछे और रीजन था जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसने एग्रीकल्चरल ब्रिटिश पॉलिसी की उसके वजह से भी लोग ग्रामीण एरिया से शिफ्ट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन टोटली जो है वो बंगाल में हो रहा है। हम यहाँ पे ये डाटा देखेंगे कि बंगाल में 1921 में डिफरेंट एरिया में जो है फिश जो वर्कर्स हैं वो मूव किए हैं तो और स्पेशली जो है और ये कलकत्ता का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ तो बंगाल में जो है वो फिश जो वर्कर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ जैसे अर्बन एरिया की बात करें वहां पे वर्कर्स ही लेबर क्लास ही मूव नहीं करती है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि वहां पे क्लर्क जो है बिजनेसमैन है ट्रेडर्स हैं ये लोग मूव करते हैं और रेंट कमीशन 1920 का जो है बताता है कि कलकत्ता में 1.5 मिलियन लोग रेंट पे रह रहे हैं। तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं वो शो करता है कि कलकत्ता में जो लोग हैं एक तरह से माइग्रेट किए और इस माइग्रेट की वजह से जो है जो फिश का डिमांड है वह जो है कलकत्ता सेंटर हो जा रहा है। प्री अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वहां पे जो फिश कैचिंग होता था जो फिश मार्केट होता था जो फिश सेल होता था वो फिशरी एरिया के अराउंड ही होता था यानी लोकल मार्केट में और इन लोकल मार्केट में जो है इंटरमीडियरीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रहता। बहुत बार जो डायरेक्ट जो फिशरमैन है वही मार्केट में या लोकल मार्केट में जो है वो सेल कर देता था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि कलकत्ता जब एक अर्बन सेंटर बन रहा है तो सिर्फ ये लोकल जो मार्केट है या लोकल जो फिश सेलिंग है वो खत्म हो जाए। वो कह रहा है कि जो पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा हो जाती है उसके वजह से ये मार्केट चेंज हो जा रहा है नेचर चेंज हो जा रहा है फिश मार्केट का और ये चेंज होने के बाद ये एक न्यू मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इसके अलावा कलकत्ता जो है क्यों फिश मार्केट के रूप में इमर्ज कर रहा है बाकी दूसरे जो एरिया हैं वो क्यों नहीं इमर्ज कर रहा है इसका एक रीजन है कि कलकत्ता में जो फिश का रेट है वो बहुत हाई है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ एरिया हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हाई है लेकिन यहाँ पे हमने अभी एरिया वाइज दिखाया है बंगाल छतरपुर उड़ीसा लोअर बंगाल में 1907 का है
और वहाँ पे जो लोअर बंगाल है वहाँ पे फिश का रेट हाई है। दूसरे जो स्लाइड है इसमें आप देखिएगा कि कलकत्ता जो है वहाँ उसका फिश जो रेट है वो हाई है, बाकी रंगपुर और दिनार भी है जहाँ पे फिश मार्केट फिश का जो प्राइस है वो हाई है। तो यहाँ पे जो है फिश का रेट हाई है, एक दूसरा डिमांड ज्यादा है। जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जितनी कलकत्ता में फिश की नीड है उसका ओनली 27% ही सप्लाई हो पा रहा है, और ऑलमोस्ट बंगाल में आप सभी लोग जानते हैं ऐसे भी फिश का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, और ऑलमोस्ट सारे जो पीपल है ऑलमोस्ट 80-90% पीपल जो है वहाँ पे फिश कंज्यूम करते हैं, और इसके साथ ही ऑलमोस्ट एक आदमी का जो आंकड़ा है एक आदमी एक ईयर में 1 पाउंड जो है फिश कंज्यूम कर लेता है औसतन अंग्रेज। इस समय जो केजी गुप्ता और उन लोगों का जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है। तो इस तरह से फिश मार्केट के लिए जो डिमांड है वो एक कलकत्ता जो है बहुत सुटेबल प्लेस है। बाकी आप अर्बन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिएगा वो हुगली जूट मिल का जो लोकेशन देखिएगा वो भी आपका हुगली 24 परगना हावड़ा और कलकत्ता यहाँ पे बेसिक है। तो फिश यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लोकल एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा जो है कलकत्ता का ही फिश मार्केट के रूप में इमर्ज करने का, और बाकी जो ये दिनाजपुर रंगपुर और जलपाईगुड़ी ये सब हैं उसके पीछे एक रीजन है ट्रांसपोर्टेशन का। फिश एक ऐसा कमोडिटी है कि उसको बहुत तेजी से मार्केट में पहुंचाना होता है, क्योंकि फिश का जो रेट है वो इस पे डिपेंड करता है कि मछली कितनी ताजी है। अगर मछली जितनी पुरानी होती जाएगी वाटर एरिया से पकड़ने के बाद उसका रेट जो है डिक्रीज होते जाए, और इसीलिए सारे जो फिशरमैन हैं और जो इंजीनियरिंग उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये डिसीजन होता था कि हम फिश को बहुत तेजी से मार्केट में पहुंचाएं और उसको हम मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाएं। तो इस तरह से जो है कलकत्ता का अगर हम देखिएगा इस समय वेल कनेक्टेड ए सिटी है, रेलवे के थ्रू वाटरवे भी है और रोडवे। इसमें रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि सबसे तेजी से फास्ट जो है वो रेलवे है। और आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट 65-70% यहाँ पे ये टोटल जो भी सप्लाई कलकत्ता में हो रहा है माउंस में है वो है, बाकी ये रेल से है स्टीमर से पंत्री से पंत्री बोट्स और रोड से, और ये जो है रेलवे और ये जो जिले में है वो परसेंटेज है कि टोटल जो ग्रांड फिश जो है कलकत्ता में भेजा जा रहा है उसका इतना परसेंट अकेले जो है रेलवे से भेजा जा रहा है कलकत्ता के मार्केट में, ठीक है। तो इस वजह से और कलकत्ता का जो रेलवे नेटवर्क है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, तो ये सेंटर है कलकत्ता और ये आपका जो है रेलवे का नेटवर्क है, और उधर जो एक हल्की लाइन है वो जो है आपका ईस्टर्न रेलवे का है। तो वेल कनेक्टेड जो सिटीज है रेलवे का वो है कलकत्ता। तो इन जो सिनारियो है और रेलवे का जो डेवलपमेंट है उससे वजह से भी कलकत्ता ही एक फिश मार्केट ग्रुप में डेवलप कर पाया, ना कि एक्चुअल डिमांड फिश प्राइस सेम फिश प्राइस होने के बावजूद भी दिनाजपुर जलपाईगुड़ी और ये लोग नहीं कर पाए। अब इस फिश मार्केट को डेवलप होने के बाद इसमें जो है इंटरमीडियरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूरे मार्केट पे जो है कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ तक कि आप इस आउटलेट का रिपोर्ट तो बोलते हैं कि कुछ फैमिली और कुछ लोगों का ही पूरा इस पे कंट्रोल है, और ये कंट्रोल जो है वो उनके कैपिटल पावर और इंफॉर्मेशन पावर पे है जो कि एक्चुअल फिशरमैन के पास नहीं होता है, जो फिश पकड़ता है उसके पास ये नहीं होता है, और इस वजह से ये पूरे मार्केट में आप एक जो डाटा है एक फिश जो है जैसे 3-4 आने में खरीदते 10-12 आने में बेचते हैं, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ज्यादा है। ये मैंने
ये डिफरेंट रेलवे लाइन्स ने जो फीस लाई जा रही है वो उसका कि कलकत्ता के जो इसके साथ कलकत्ता का जो है वाटर वे से ही कनेक्टेड रेल कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने दिखाया सुंदरबन से कैसे कितना फीस जो है वहां पे पहुंचाया जा रहा है। ये जो फिशरमैन है जो इंटरमीडिएट और जो फिश सेविंग करते हैं उनका ये डाटा है, हालांकि पुराना है 1871 का है। इसमें जितने भी ऑलमोस्ट ये इंटरमीडिएट है वो ट्रेडिशनल फिशरमैन से नहीं है, उसमें से 3-4 को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए तो अगर आप रिपोर्ट देखिएगा उसमें ये 15 को छोड़ के बाकी और एक दो और इसमें है उसको छोड़ के इनका कास्ट के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलता है और कुछ के बारे में तो मिलता है। और पुंडरा जो है इसका आप देखिएगा ये 20वीं सेंचुरी में छठाइजेशन का प्रोसेस करता है, यानी ये इकोनॉमिक सुपीरियर ये हुआ, यानी इंटरमीडिएट्स का जो बेनिफिट है वो बहुत इंक्रीज हो जाने की वजह से वो इकोनॉमिकली सुपीरियर भी हुए। और इसका जो इतनी सुपीरियर हुए कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो ऑलमोस्ट 1920 के अराउंड जो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट लेके आ रही, क्योंकि उसका मानना है कि जो गवर्नमेंट और फिशरमैन के बीच में जो ये इंटरमीडिएट है वो बैंकिंग का बहुत एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, इससे गवर्नमेंट का रिव्यू भी ज्यादा नहीं मिलता है और एक्चुअल जो फिशरमैन है उनकी हालात भी खराब होती है। इसलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट लेके आते हैं। इनकी जो इनकम है पर मंथ देखिएगा केजी गुप्ता के रिपोर्ट में है वो है आपका 40 रुपीज 40 रुपए का, जबकि जो एक्चुअल फिशरमैन है उनका है 4 से 12 रुपए। इसके बाद इनकी जो फिशरमैन है उनकी जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। एक नोवेल है पद्मनाथी माझी मुखबंदिया का है और इसको मूवी भी बनी है, तो उसमें दिखाया गया है कि जो एक्चुअल फिश लेबर का काम करता है वो उनकी हालत बहुत खराब है और वो ऑलमोस्ट टोटी फूटी झोपड़ियों में इन सब में कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने होते हैं। जिनके पास थोड़ा कैपिटल है नाव अपनी है उनकी कंडीशन थोड़ा अच्छा है। जो इंटरमीडिएट है साहूकार है उन और इस मार्केट में लगे हुए हैं उनकी जो कंडीशन है बहुत अच्छे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो इंटरमीडिएट है ये तो पक्के के मकान में रहते हैं, इनके पास सारी सुविधाएं हैं फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो एक्चुअल फिशरमैन है वो झोपड़ियों के मकान में रहते हैं और ये खुश वर्ग नहीं है, ये हैप्पी वर्ग हैप्पी क्लास नहीं है। तो इस तरह से जो मेरा एक पूरा आइडिया फाउंडेशन था इस थीम का वह यह था कि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है मार्केट जो है लोकल फिश जो मार्केट है वो लोकल एरिया से शिफ्ट होकर अर्बन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में शिफ्ट हो जा रहे हैं और इस लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट स्ट्रक्चर में इंटरमीडिएट्स का जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इंटरमीडिएट्स, और ये जो है फिशर जो बेनिफिट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख ले रहे हैं, जिसके ये एक्सप्लाइट जो है एक्चुअल फिशरमैन हो रहा है और यह एक वाटर लेवर के रूप में जो एक्चुअल फिशरमैन है वो बदल जा रहा है। थैंक यू।